नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नितकश है चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट वन। अब मैं जो भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपको, मैं हिंदी और रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, और दोनों ही जो है आपको वन बाय वन आपको मिलता रहेगा आपके एग्ज़ाम आने तक। आपके एग्ज़ाम आने तक आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। और जो है आपका काम ये है कि आप इसको जो है अच्छे से देखिए, उसको किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छे से समझिए, और निश्चित रूप से आपको इसमें से लाभ जरूर मिलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। देखिए, जूनियर असिस्टेंट का जो के पर्पज़ से ही मैं ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, और रीजनिंग का भी आपके समक्ष आता रहेगा। हिंदी और रीजनिंग ये जो है आते रहेंगे, तो इसलिए आप लोग जो है अच्छे से देखिएगा और उसको प्रैक्टिस करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। दुरात्मा, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? सबसे पहले तो आप खुद ही प्रयास कीजिए कौन सा हो सकता है। देखिए, दुर्हलंत, दुर, दुस या दुरा, कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन हो गया आपका दुर, दुर, दुर्हलंत। तो दुरात्मा में दुर्हलंत जो है आपका उपसर्ग। मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है कि उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के आगे लग करके उनके मतलब को परिवर्तित कर देते हैं। जो शब्दों के आगे लग करके उनके मतलब को परिवर्तित करते हैं वही उपसर्ग होते हैं, और जो पीछे लग करके परिवर्तित करते हैं वो प्रत्यय होते हैं। मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि संस्कृत के और उर्दू के पांच उपसर्ग, ये सब मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, आप लोग अच्छे से जा करके वहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया दुर्हलंत। आगे है विपद जाल में कौन सी संधि है? तो देखिए, कभी भी अगर आपको संधि को पहचानना हो तो आप सबसे पहले उसको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं दो ऑथेंटिक वर्ड में। तो जाइए विपद जाल को तोड़िए, देखिए यहाँ से। तो ये हो गया आपका विपद हलंत प्लस जाल, ये इसमें आपका ये टूट गया। तो जहाँ पे जब हलंत लग जाता है वहाँ पे व्यंजन संधि हो जाती है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक विसर्ग संधि होती है दोस्तों, तो विसर्ग संधि में ये देखिए विसर्ग लग जाता है, जब आप उसका संधि विच्छेद करें कि किसी भी शब्दों का, तो वहां पे वो विसर्ग का फॉर्मेट ले। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मनोबल, तो मनोबल में मनह मनह धन बल होता है, मनह धन बल होता है। तो देखिए मन में, यहाँ पे देखिए ये विसर्ग लगा हुआ है, इससे हमको ये स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है कि ये आपका मनोबल में विसर्ग संधि होगी। साथ ही साथ गुण संधि, गुण संधि में आप पहचान जाओगे जिन वर्डों में ए ओ अर आता हो वहां पे गुण संधि होती है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ, साथ ही साथ आपको और भी चीजें तैयार हो रही हैं, जैसे रमेश, महेंद्र, गणेश, राजर्षि। देखिए अब देखिएगा, रमेश मतलब रमे, ए देखिए ए आ रहा है, तो यानी रमेश में कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। देवेंद्र, देवेंद्र में ए आ रहा है, ए देवेंद्र ए, तो ये हो गया आपका गुण। राजर्षि में देखिए अर छिपा हुआ है, राजर्षि मतलब अर छिपा हुआ है, तो ये भी आपका गुण संधि हो गया। महोदय, महोदय में ओ छिपा हुआ, मैंने आपको बताया था जहां पर ए ओ और अर आप जब उच्चारण करें और ये शब्द आपके समक्ष आए तो वहां पे कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो मैंने देवेंद्र, रमेश, महेंद्र, है ना, ओ में जैसे महोदय है ना, इस तरह से अर में राजर्षि, राजर्षि में अर, महर्षि में अर, तो वहां पे गुण संधि होता है, व्यंजन बता दिया। वृद्धि में आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा कि वृद्धि हो रही है, जैसे वैश्विक है तो वैश्विक, वैश्विक यानी शब्द में महामात्राओं की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया। तो वाक्य कितने हैं? वाक्य के दो आधार पर हम भेद करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बट देखा जाए तो अर्थानुसार कितने होते हैं? तो अर्थानुसार जो है ये आठ होते हैं, ठीक है, तो अर्थानुसार आठ होते हैं, और वाक्य के ऐसे नॉर्मल वे में दो भेद होते हैं। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो अलमारी कैसा शब्द है दोस्तों? पुर्तगाली है। मैं जल्दी इसका एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, पुर्तगाली
और कौन सा अंग्रेजी है, कौन सा अरबी है, कौन सा फारसी है, इसका वीडियो मैं जल्द ही आपके समक्ष ले आऊँगा। बस बना रखा है, बस इस पे एक वीडियो ही बनानी है, मैं जल्द से जल्द उसको जो है बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए दोस्तों, सारे ही प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, आपको खुद भी लग रहा होगा, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तत्सम मतलब होते हैं, होता क्या है तत्सम मतलब? संस्कृत निष्ठ शब्द ही क्या कहलाते हैं आपके, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द तत्सम है। तो पहचानिए, चार ऑप्शन है, माँ, मछली, देखिए लास्ट मछली है, फिर है अमूल्य और केला, कौन सा आपका तत्सम है? तो यहाँ सही आंसर होगा अमूल्य। क्या हो जाएगा? अमूल्य। अब और भी चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि अमोल का होता है अमूल्य, अमोल का होता है अमूल्य, ये आपका तत्सम शब्द है, अमूल्य तत्सम शब्द है। बाकी सारे कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। कैसे? केला का होता है कदली, केला का क्या होता है? कदली। माँ का होता है मात्र, माँ का होता है मात्र, मछली का होता है मत्सर। तो इन जो ये चीजें मैंने बताई हैं, साथ ही साथ चार चीजें और तैयार हो गई, हो गई। आगे बढ़ते हैं, तैयार होना चाहिए, मैक्सिमम प्रश्न आपके तैयार होने चाहिए, हमारा उद्देश्य है, हमारी टीम का यही उद्देश्य है कि आपका ज्यादा से ज्यादा लाभ सुनिश्चित हो। आइए आगे बढ़ते हैं। से किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो से किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो ये किसका है? आपादान का। से मतलब होता है अलग होने के सेंस में, मैंने इसकी वीडियो अलग से बना रखी है, आप जाकर के वहां पे अच्छे से देख सकते हैं। कारक मैंने बताया, फिर से एक हल्का सा मैं आपको बता देता हूं, कारक के आठ भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं ये सबसे पहले जानिए, आठ भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संपदान को के लिए, अपदान से संबंध, का की के रारी रे अधिकरण में पर। क्लियर हुआ? तो कर्ता यानी कि सबसे पहले जान गए आप कारक के आठ भेद होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपदान बता देता हूँ, क्योंकि से विभक्ति का अर्थ होता है अपदान से, मतलब अलग से। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते अलग होने के सेंस में है ना, मतलब पेड़ से जब पत्ता गिरा तो पत्ता पेड़ से अलग हुआ, तो अलग होने के सेंस में से का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ मैं कुत्ते से डर कर भागा, तो मैं भागा तो पर किससे डर के भागा? कुत्ते से डर के भागा, यानी कुत्ते से अलग होने के सेंस में यहाँ पे से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद है आपका एक और है, ये भी जान लीजिए, संप्रदान। संप्रदान मतलब को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से कहता है, संप्रदान को के मतलब जब किसी के लिए कोई चीज किया, जैसे मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया, को के लिए मतलब किसी के लिए जो किया जाए, है ना। कर्म जानने कर्ता कर्म को मतलब कर्म जिस पे फल हो रहा है, उसके बाद अधिकरण है, सॉरी ये अधिकरण है, अधिकरण में पर मतलब कि जैसे कि किताब अलमारी में है, किताब अलमारी में, तो कहाँ पे? अलमारी में है ना, मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पे अधिकरण मेज पर का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल हमारा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? तो देखिए उत्तम पुरुष जो है पुरुषवाचक का प्रकार है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था आपको अपनी वीडियो में, मैंने बता रखा है कि इसके बारे में, सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के छह भेद होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, उसमें मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है? पुरुषवाचक के बारे में। तो पुरुषवाचक तीन प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम मतलब, उत्तम मतलब जो आपकी ओर चीजें इंडिकेट करे, जैसे मैं और हम, ये उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम में जिससे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपसे बात कर रहा हूं, आप मध्यम पुरुष हो गए, यानी कि तुम, तू, आप। अगर मैं आपसे किसी थर्ड पर्सन की बात करता हूं, तो यह, वह, वे, ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं वीडियो में जाकर के, आप अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर के आप अच्छे से देख लीजिए। साथ ही साथ निश्चयवाचक में यह, वह का प्रयोग होता है, जैसे यह कोई नया काम नहीं है, यह मेरी पुस्तक। निश्चय मतलब कन्फर्मेशन को दर्शाता है। संबंध में जैसे जो सो, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, इस तरह से सारी चीजें। बहुत ज्यादा बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के और अच्छे से देख लीजिए। तन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तन। तन शब्द का लिंग निर्धारण करें, मतलब ये पुरलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, कैसे? तो मैंने आपको इसका भी वीडियो बना रखा, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए। मैंने क्या बताया था, मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी, तो क्या कहते हो? मेरी तन अच्छा है, नहीं ना, आप कहते हो कि मेरा तन अच्छा है, मेरा तन, मेरा नहीं है कि मेरा तन बदन जल रहा है, तो मेरा है ना, तो जहां मेरा होता वहां पुरलिंग होता, जहां मेरी होता वहां स्त्रीलिंग होता है, तो मेरा है मतलब यहाँ क्या होगा? पुरलिंग होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आपको वहां पे कंफर्म देखने को मिलेगा। क्लियर है? हिंदी का एक एक महत्वपूर्ण जो है वेटेज है दोस्तों, इसलिए आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
शब्द यदा कदा का अर्थ क्या होता है, शब्द यदा कदा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, यदा कदा का अर्थ होता है जब, यदा मतलब जब और कदा मतलब कब। बट थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें वो है कि यदा कदा, अगर अगर अलग अलग सेंस में आप लेते हो तो यदा कदा जब कब है, बट अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो जब तब भी होता है। तो थोड़ा सा इसमें वो है, आयोग ऐसे केसेस में क्या होता है, अन नंबर दे देता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है। बट याद रखिए, आप दोनों ही अर्थों को याद रखिए। फिर हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल है, चंद्रप्रिया। तो चंद्रप्रिया किसका पर्यायवाची है दोस्तों? पर्यायवाची भी अच्छे से कर लीजिएगा, पर्यायवाची भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो चंद्रप्रिया किसका पर्यायवाची है? कुमुदनी का पर्यायवाची। किसका है दोस्तों? कुमुदनी का पर्यायवाची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुमुदनी का पर्यायवाची है चंद्रप्रिया। तो ये देखिए, प्रैक्टिस सेट था तो इसमें 10 क्वेश्चन ही, बट इसके पीछे मैंने आपको कम से कम कुछ नहीं तो 30 से 35 सवाल मैंने कराए। तो इसी तरह से आप सहयोग कीजिए, मैं और भी आपको अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा। अगला जो है वीडियो फिर आता रहेगा, इसी तरह हिंदी और रीजनिंग की वीडियो इसी तरह चलती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य शायद चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी का, जो मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा था वो है आपका प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। तो आइए अच्छे से करते हैं। और ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम आपका जूनियर असिस्टेंट का 3 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहरहाल कुछ लोग कह रहे हैं टल जाएगा, फिलहाल अभी हम किन्हीं भी चीज़ों पे विश्वास नहीं कर सकते। जैसा भी है, जो भी है, वो आपके सामने आ ही जाएगा, आज या कल में आ ही जाएगा। और इस चीज़ को नहीं हम कह सकते कि पेपर टल सकता है कि नहीं टल सकता है। फिलहाल अभी के लिए आप 3 नवंबर को ही जो है मान करके चलेंगे, और उस हिसाब से आप अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, यही आपके लिए अच्छा होगा और यही सबसे उचित ही होगा। तो आइए हम समय न गंवाते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिकतर लोगों तक इस वीडियो की पहुंच हो सके और उनको भी जो है एक अच्छा लाभ मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है मैं संकलन ले आया हूँ आप सभी के समक्ष। आइए ध्यान से देखिएगा, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें मैं और भी बताऊंगा, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है, पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में कौन सी संधि है? देखिए, जब पुरस्कार संधि, संधि विच्छेद, देखिए आप पढ़े होंगे, जब संधि करें, संधि मतलब जोड़ना होता है, विच्छेद मतलब अलग होना है। तो कौन सी संधि है? तो जब इसको आप तोड़ेंगे तो इसमें विसर्ग लग जाएगा। तो कौन संधि हो गई इसमें? पुरस्कार में, पुरस्कार में हो गई विसर्ग संधि। महोषध, तो महोषध में कौन संधि है? तो महोषध में कौन संधि है? वृद्धि संधि है। क्योंकि देखिए, जहां पे मात्राओं की वृद्धि होती है, देखिए याद रखिएगा, जहां पर मात्राओं की वृद्धि होती है कभी भी, वहां पे आप आंख मूंद करके वृद्धि लगा देंगे। गुण संधि कैसे आप पहचानेंगे? जैसे कि जैसे मैं कहूं कि रमेश, तो देखिए रमेश, जैसे मैं यहां पे देखिए बता रहा हूं, रमेश, महेश, देवेंद्र, देवेंद्र, राजर्षि, राजर्षि। तो देखिए रमेश, महेश, देवेंद्र में ए, रमेश, देवेश, महेश, देवेंद्र, राजर्षि में अर, जहां पर ए ओ अर आए वहां पर गुण संधि होती है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है। अगला है, पराजय में उपसर्ग कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था उपसर्ग प्रत्यय के बारे में, उपसर्ग प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, और प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दों के अंतिम में लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग होगा? तो पराजय में होगा परा, पराजय में होगा परा। साथ ही साथ हमने बताया था उर्दू, उर्दू और संस्कृत के 5 उपसर्गों के बारे में। उर्दू के था अल, गैर, बे, बदना, और संस्कृत के 5 उपसर्ग हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि। और उर्दू के 5 प्रत्यय थे बंदी, बाजी, कार, आना, दार। ये भी सब याद रखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्लियर हुआ? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। साथ ही साथ याद रखना है, बेसिकली वाक्य के 2 भेद होते हैं बट रचना के आधार पर 3 होते हैं, और अर्थानुसार 8 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो कई सारी चीजें क्वेश्चन से निकल के आ रही हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, याद करिए। सजावट में प्रत्यय है, तो सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट में आवट है। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट है। उसी तरह से अगर मैं कहूँ कारक, तो कारक में कौन सा प्रत्यय? ये सब महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। कारक में कौन सा? तो कारक में अक है। हानिकारक में क्या है? तो क है।
माधुर्य में क्या है, य है, इस तरह से आप याद रखेंगे। श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह है, देखिए कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या को बताया 20, उन्होंने कहा विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है। श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या बताई थी 20, उन्होंने पूर्ण विराम को छोड़ करके, उन्होंने पूर्ण विराम को, देखिए चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे जो शब्द के अंत में ऐसे लग जाता है, उन्होंने पूर्ण विराम को छोड़ करके से सभी को अंग्रेजी से लिया हुआ बताया। उन्होंने पूर्ण विराम को छोड़ के, किसको छोड़ करके, पूर्ण विराम को छोड़ करके से सभी को अंग्रेजी से लिया हुआ बताया, साथ ही साथ उन्होंने उपविराम की चर्चा नहीं की है, यह भी आपको याद रखना होगा। आइए, कई सारे क्वेश्चन तैयार हो गए साथ साथ। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वॉवेल को बोलते हैं स्वर। वॉवेल जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते ना ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं, इसको हिंदी में स्वर कहा जाता है। कारतूस कैसा शब्द है, कारतूस कैसा शब्द है, तो कारतूस फ्रेंच शब्द है, कैसा दोस्तों शब्द है, फ्रेंच शब्द है। कारतूस कैसा शब्द है, फ्रेंच शब्द है। मेरी एक वीडियो पड़ी होगी अरबी फारसी पुर्तगाली की और इसकी, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। मित्र का भाववाचक है, तो कोई अगर वर्ड है तो उसका भाव आपको ले आना, तो मित्रता, तो मित्र है तो मित्रता है ना, बूढ़ा है तो बुढ़ापा, लघु है तो लघुत्व, गुरु है तो गुरुत्व, ये क्या है आपका भाव है। सूचना, सूचना कैसा वर्ड है, मतलब कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये पहचानना है, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है, मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है, प्लीज़ आप उसको जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अच्छा है, अच्छी है, मेरा है, मेरी। और तीसरा होता है वाक्य के प्रयोग द्वारा, तो सूचना देना अच्छी बात होती है ना, सूचना देना अच्छी बात है, अच्छा बात तो है नहीं, तो अच्छी बात है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका फीमेल। अगला है टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना मतलब कि बहुत कठिन कार्य होना, मतलब जैसे कि ये नहीं होता कि आप कहते कि यार ये काम तो बड़ा टेढ़ी खीर के समान है, मतलब कि बहुत कठिन काम है, आसानी से नहीं हो सकता है। अगला है पर्यंक, तो पर्यंक तत्सम है किसका, तो पर्यंक एक तत्सम है आपका पलंग का, अच्छे से देख लीजिएगा, ये तद्भव तत्सम भी अच्छे से आप एक बार रिपीट कर लीजिए जो भी आए हुए क्वेश्चन है, तो पलंग का पर्यंक होता है, पलंग का पर्यंक होता है। नष्ट ना होने वाला, मतलब ऐसी चीज जो कभी नष्ट ना हो, उसे बोलते हैं अनश्वर, क्या बोलते हैं, अनश्वर, ये वन वर्ड है, ये भी अच्छे से आप कर लेंगे, तो नष्ट ना होने वाला को क्या बोलते हैं, अनश्वर, और जो नष्ट हो जाए वो नश्वर होता है। मैथिली है, तो मैथिली कैसा है, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथिली हमारा बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, जिसे क्या बोलते हैं, मागधी भी कहा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, मागधी भी कहा जाता है। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये सब आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, जिसे हम मागधी भी कहते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और याद रखिए, पूर्वी हिंदी में आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जिसे अर्ध मागधी कहा जाता है। पहाड़ी हिंदी जिसे खस कहा जाता है, उसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, ये सब चीज़ें आती हैं। राजस्थानी जिसे शॉर्ट सिनी कहते हैं, उसमें आता है आपका मालवी, मारवाड़ी, है ना, जयपुरी, ये सब आपका आता है राजस्थानी हिंदी में। क्वेश्चन ये आता है, ये बोलियां से क्वेश्चन ये कन्फर्म आता है, इसलिए दोस्तों ध्यान से आप देख लेंगे, ठीक है। आइए, अगला है गुनाहों का देवता, रचना किसकी, धर्मवीर भारती की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो धर्मवीर भारती की, गुनाहों का देवता, तो गुनाहों का देवता किसकी है, धर्मवीर भारती की है। साथ ही साथ सूरज का सातवां घोड़ा भी धर्मवीर भारती की है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोनों ही धर्मवीर भारती की है। साथ ही साथ कामायनी, आंसू लहर, तितली, ध्रुव स्वामिनी, ये सब जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यामा किसकी है, महादेवी वर्मा की है, ठीक है। झंकार, झंकार, साकेत, ये सब किसकी है, पंचवटी, यशोधरा, ये सब किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। तो कई सारे रचना है, वो अच्छे से कर लीजिए, कुछ चीज़ें मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति, इसको तोड़िए तो क्या होता है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो के लिए कैसा है, देश के लिए भक्ति, यानी कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है,
भक्ति है, बट देश के लिए भक्ति है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, समास वाले वीडियो में अच्छे से आप देख लीजिए। पंचवटी, पंचवटी, तो पंचवटी में कौन समास है? द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है। पंचवटी में नंबर से आनी है कि द्विगु, जहाँ पे संख्यावाची हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। चौराहा, तिराहा, ये सब क्या है आपका, कैसा है? द्विगु समास है। मरकट पर्यायवाची है किसका? तो मरकट किसका है? वानर यानी कि बंदर का पर्यायवाची है। मरकट किसका है? बंदर का। मरकट है, कीश है, वानर है, ये सब कपी है, ये सब आपका क्या है, किसका पर्यायवाची होता है? मरकट यानी कि बंदर का पर्यायवाची होता है। इसके बाद आइए अंबुज। तो अंबुज का अर्थ होता है क्या? कमल। अंबुज का अर्थ होता है क्या? कमल। अंबुज मतलब कमल होता है, और अंबुद मतलब बादल होता है। देखिए दोनों में अर्थ है, वहां आपको फंसा सकता है। अगर अंबुज होगा तो कमल है, और अंबुद होगा तो बादल होगा। लिखाना, लिखाना क्रिया है, कैसी क्रिया है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो लिखाना और लिखवाना ये सब कैसी हैं? प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए लिखना एक क्रिया है, बट लिखाना ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं आपको चीज लिख रहे हैं, इसका मतलब क्रिया कर रहा हूं। अगर हम कहें शाबाश लिखो, तो क्या है? लिखवा रहे हो आप ना उसका, उसको मोटिवेट करके, आप सामने वाले को मोटिवेट करके आप लिखवा रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट पार्ट टू। अच्छे से इसको देखेगा, फिर तीसरा भी आएगा। और दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छा हो आपकी दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नितकर्ष चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो जूनियर असिस्टेंट का, जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा था, जो आपका एग्ज़ाम है 3 नवंबर को था। फिलहाल अभी तो कुछ क्लियर डेट नहीं बताई गई है, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो हिंदी का है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो है प्रैक्टिस सेट लगातार आपके पास आ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, और हो सके तो जो भी मैं बताता जाऊँ उसको आप नोट भी करते रहेंगे। इससे क्या रहेगा, आपके पास एक मैटर इकट्ठा हो जाएगा, और आपको फिर प्रैक्टिस करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। जब पूरा आप देखेंगे तो एक समरी निकल करके आएगी, और आपके पास एक अच्छा मैटर हो सकेगा। तो ये सभी जो प्रश्न मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। मैं वही प्रश्न कराता हूँ जो कि आए हुए क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि संभावित होते हैं, वही प्रश्न को यहाँ पे जो है अच्छे से कराया जाता, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आइए, पार्ट टू हो चुका था, पार्ट टू पढ़ भी चुका, उसको देखते रहिए, नोट भी करते रहिए। आइए इसको पार्ट थ्री हम लोग अच्छे से करेंगे आराम से, ऐसा मैं बताऊंगा कि आपको यहीं पे ही याद हो जाना चाहिए। आइए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो देखिए मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, एक इसका तरीका है, ट्रिक है आपका, के टी एम डी ओ। तो क से होता कंठ से, त से होता तालव्य से, एम से होता मूर्धन्य से, हैं, और डी डी मतलब होता दंत से, ओ से होता ओष्ठ से। तो ये आपका होता है के टी एम डी ओ, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि क च ट, क च ट त प, मतलब कचट तब भी आपको साथ साथ याद रखना है, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी चीज़ें जो है मैं आपको बता दूंगा। इसका वीडियो मैंने नहीं अपलोड किया है, मैं बता दूंगा जल्दी ही, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको समझिए। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ, मूर्धन्य ध्वनिया में आप समझ गए होंगे, तो ट वर्ग में, और ट वर्ग में आपका आएगा इसमें ट, ठ, ड और ढ, ये आपका आता है मूर्धन्य ध्वनियाँ, जो मूर्धन्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए, ट, ठ, ड और ढ, क्लियर हो गया। फिर देखिए श, तो श कैसा है, श से कैसे आएंगे, तो श कैसा आपका तालव्य है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव, ताल, तालव से आ, ऐसे तालव्य से बोला जाता है तालव्य, ये आपका सही उत्तर हो गया तालव्य। लिखते चलिए और याद करते चलिए। ल किस प्रकार की ध्वनि है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ल किस प्रकार की धनु है ध्वनि है। तो ल कैसी है? पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है दोस्तों? पार्श्विक ध्वनि है, अच्छे से इसको लिख लीजिए। ल किस प्रकार की है? तो पार्श्विक है। इसको मैं बताऊंगा अच्छे से, कचट तप के बारे में और ब्रीफली
फिलहाल अभी के लिए इसको इतना फॉर्मूला आप इसको याद रखे, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, य र ल व, तो इसको बोलते हैं अंतस्थ। इसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अगर पूछ लेगा कि, या इन चारों में कोई दो ही पूछ ले कि आपसे पूछ ले कि य र ल व या फिर र व इस तरह से या फिर य र ल व व्यंजनों को हम क्या नाम देते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ के अंतर्गत क्या आता है? आपका य र ल व आता है। क्लियर हो गया? साथ ही साथ याद रखिए वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यह भी आपको याद रखना है। ऊष्म व्यंजन है तो मैं आपको बता दूं, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये आपका है श, श, स और ह, श, श, स, ह। यह आपका ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। अच्छे से आप याद करेंगे, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आपका श, श, स, ह आता है। याद करते चलिए, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे? देखिए मैं विराम चिन्ह की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप वहां से जा करके अच्छे से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, विराम चिन्ह का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों के बारे में बताया था, 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। उन्होंने पूर्ण विराम को छोड़ करके से सभी को अंग्रेजी से लिखा हुआ बताया। उन्होंने उप विराम की चर्चा नहीं की है। फिलहाल अब इतना मैं और आगे बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है आप उसको देखते रहिए। तो तुम कब आओगे, यहाँ पे कौन सा विराम होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो तुम कब आओगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक विराम है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसा है? प्रश्नवाचक विराम है। लाघव चिन्ह, तो लाघव चिन्ह का संकेत क्या था? ओ। देखिए मैंने आपको बताया था कि ओ को क्या बोलते हैं, आपका लाघव चिन्ह। जैसे हम प्रधान डाकघर जैसे लिखते हैं, तो देखिए प्रधान डाकघर को कैसे लिखते हैं, प्रधान डाक घर। तो जो बिंदी लगाते हैं ये लाघव चिन्ह के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? मैंने आपको बताया था प्रत्यय वे होते हैं जो शब्दों के अंत में लग करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो चर्मकार में देखिए क्या है, तो देखिए चर्मकार में इधर देखिए कार है और प्रभाकर में देखिए ये कर है। क्लियर हो गया? तो चर्मकार में कार प्रत्यय और प्रभाकर में कर प्रत्यय होता है। क्लियर हो गया? साथ ही साथ मैंने बताया था उर्दू के 5 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, तो बंदीबाजी काराना दार, बंदीबाजी काराना दार, ये मैंने आपको बताया था। अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग की बात हो रही है, तो अधिष्ठाता में उपसर्ग जो होगा वो होगा अधि। मैंने बताया था उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दों के आगे लग करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे उपसर्ग होते हैं। और साथ ही साथ रिमाइंड करा दूं, उपसर्ग में मैंने बताया था उर्दू के 5 उपसर्ग और संस्कृत के, उर्दू के कौन से 5 उपसर्ग हैं दोस्तों? अल, गैर, बे, बदना। अल, गैर, बे, बदना। साथ साथ ये भी चीज़ें परीक्षा उपयोगी, याद करते चलिए, अल, गैर, बे, बदना। और मैंने बताया था आपको संस्कृत के 5 उपसर्ग, अति, अधि, अनु, अप, अभि, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते आगे हैं। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय, काफ़ी मतलब कि कई सारे एग्जाम में आया था इसलिए मैंने इसको यहाँ करा रहा हूँ। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? एरा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा। फिर आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? मैंने आपको बताया था इससे यूपी SSSC बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2-3 चीज़ें मजबूत कर लीजिए, एक तो बहुवचन एक वचन ये, एक तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये, दो तीसरा अरबी फारसी पुर्तगाली जापानी, ये सब क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आना ही आना है, ठीक है। तो इसको आप लोग मजबूत कर लीजिए। तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो रिक्शा जापानी शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? जापानी। रिक्शा कैसा है? जापानी शब्द है, ठीक, अच्छे से कर लीजिए। फिर आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल में देखिए रेल और गाड़ी, ये क्या है आपके? रेल और गाड़ी दो शब्द जब मिलते हैं तो संकर शब्द का निर्माण करते हैं। तो अच्छे से याद होना चाहिए, जब दो भाषा के, दो भिन्न भाषाओं के शब्द आपस मिलें
तो वहां पे संकर शब्द का निर्माण हो जाता है। कृदंत प्रत्यय के शब्दों से मिलकर बनते हैं, तो कृदंत मतलब क्रिया, कृदंत मतलब ही क्रिया हो गई, मतलब कि उसमें वो क्रिया जैसे शब्दों से मिलकर के बनते हैं। क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना जुड़ा हुआ हो, और सकर्मक मतलब कर्म के साथ, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। जैसे राम फल खाता, तो राम क्या खाता है, एक रिजल्ट मिलना चाहिए, राम क्या खाता है? तो फल खाता है ना। इस तरह से कुत्ता हड्डी चबाता है तो क्या चबाता है, हड्डी चबाता है, हैं? मुकेश दौड़ रहा है तो क्या दौड़ रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, यह अकर्मक क्रिया होगी। तो ये बारे इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अर्थानुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थानुसार वाक्य के आपके जो है 8 भेद होते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, वाक्य के बेसिकली दो भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं। अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थानुसार 8 होते हैं। रचना के आधार पर 3 पूछा जाता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, जिसमें आपको याद रखिएगा सरल वाक्य तो एक सेंटेंस हो गया, और कोई भी सेंटेंस हो गया, वह कौन, वह जा रहा, वह पी रहा, एक सरल वाक्य हो गया। बट संयुक्त वाक्य से प्रश्न आता है जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, और, तथा, एव, या, अथवा, परंतु, नाना, याया, नहीं तो, इसलिए, पर, कॉमा, इन सभी चीज़ों का प्रयोग अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाता है। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जहाँ पे आपको की, ताकि, क्योंकि, ज्योंकि, जैसा कि, ऐसा कि मिले, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। कोई दो हल्का से याद करिए, तीसरा एलिमेंट कर लेंगे, सरल वाक्य पहचान ही जाओगे, संयुक्त वाक्य कर लो, मिश्रित वाक्य ऑटोमेटिक एलिमेंट कर लेना। क्लियर हो क्या? कई सारे इन प्रश्नों के अलावा भी कई सारी चीज़ें याद हो रही जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, प्लीज़ उसको आप नोट करते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मैं कुत्ते से डर कर भागा, यहाँ पे कौन सा कारक है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारक पूछ रहा है, तो कुत्ते से डर के भागा ना, मतलब कि यहाँ अलग हो रहे हैं आप कुत्ते से डर के भाग रहे हैं, मतलब कुत्ते से आप अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, यहाँ पे अपादान कारक हो गया, अपादान। कारक के दोस्तों 8 भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद। देखिए बताया मैंने 75 बार, फिर बता रहा हूँ, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का की के रे, अधिकरण में पर, संबोधन अरे है अहो रे। क्लियर है, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मेज पर पुस्तक पढ़ी, आप लोग बताइए कौन सा कारक होगा इसमें, मेज पर पुस्तक पढ़ी है, इसमें अधिकरण कारक होगा, इसमें अधिकरण, अधिकरण, क्योंकि देखिए वहां पे मैंने बताया था अधिकरण में पर होता है ना, तो अधिकरण में पर, मेज पर पुस्तक पड़ी है ना, तो ये हो गया आपका अधिकरण कारक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वनौषध का संधि विच्छेद है, देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है जूनियर असिस्टेंट में, देखिए इसका करिए, दो ऑथेंटिक वर्ड में ही ये टूटते हैं, तो देखिए वन एक ऑथेंटिक वर्ड, वन मतलब जंगल हो गया, वन का पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची अगर देख लीजिएगा महत्वपूर्ण है, वन, कानन, विपिन, अटवी, कांतार, है ना, ये सब देख लीजिएगा जंगल, तो वन प्लस औषध, वन प्लस औषध, ये आपका संधि विच्छेद हो गया, दो ऑथेंटिक वर्ड, वन का भी एक अर्थ निकल के आ रहा है और औषध का भी एक अर्थ निकल के आ रहा है। महोदय में कौन सी संधि है, तो महोदय में गुड़ संधि है दोस्तों, कौन सी संधि है, गुड़ संधि है। देखिए मैंने आपको बताया था गुड़ संधि को आप कैसे पहचानेंगे, जब आप सेंटेंस कोई भी पढ़ें और ए, ओ, अर अगर पढ़ते वक्त आता है तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, वहाँ पे गुड़ संधि हो जाती है। जैसे महेश, रमेश, गणेश, दिनी, ए ए आ रहा है तो वहाँ पे गुड़ संधि है। महोदय है ना, तो महो ओ आ रहा तो ओ हो गया। राजर्षि, महर्षि, तो राजर में, राजर्षि में अर, महर्षि में अर, तो ये आपका गुड़ संधि। तो इस तरह से आपको पहचानने में आसानी होगी। स्कंद तत्सम है किसका, कंधा का, कंधा मतलब कंधा, ये क्या है, तद्भव है, और कंधा का तत्सम होता है आपका स्कंद, ठीक है। तत्सम वे होते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्दों को ही तत्सम कहा जाता है, एक लाइन में। चलिए आगे,
जो शब्द विशेष की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं। इसी तरह के प्रश्न वहां पे आएंगे, आप लोग गलत कर देंगे। जो शब्द विशेष की विशेषता बताते हैं उन्हें बोलते हैं विशेषण, उन्हें बोलते हैं विशेषण। जो शब्द विशेष की विशेषता बताएं वे उन्हें कहते हैं विशेषण। और विशेषण के चार भेद होते हैं, याद करिए, बता चुका हूं फिर बता रहा हूं। परिगुण संख्या संकेत, परिगुण संख्या संकेत, ये ट्रिक है, याद कर लीजिए। परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी वीडियो देख लेंगे, वहां से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। प्रैक्टिस सेट 4 अब इसके बाद आपके समक्ष आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नितकर्षा इस चैनल में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिंदी के चार टॉपिक का एक ही वीडियो में मैं समाकलन ले आया हूँ आप सभी के समक्ष। परीक्षा की जो नज़दीक है 30 सितंबर अब आ गया है, तो टोटल मेरा जो फोकस रहेगा वो लोअर को लेकर के है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोअर में आप लोग अधिकतम क्वेश्चन को कर सकें, इसलिए जो है मैं इसके समक्ष लाया हूँ। मेरा टारगेट जो है वो है आप लोग कम से कम हिंदी में 25 में कम से कम 22 क्वेश्चन आपका सही होना ही चाहिए। कम से कम 22 क्वेश्चन मेरा टारगेट है कि 25 में आपका 22 सही हो जाए। और मेरे हिसाब से गलत भी नहीं है, और अचीव करना कोई बहुत टफ भी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए और आइए जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये एक तरह का वीडियो है, आप सुपर वीडियो भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, उससे नहीं मतलब है, कहने से नहीं मतलब होता है। मेन चीज़ होता है कि आपका जो कार्य है वो सिद्ध हो जाए, आपका उद्देश्य सिद्ध हो जाए, आपको अधिकतम लाभ हो जाए। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, यही हमारा जो है उद्देश्य है कि हमारा भी मनोबल आप बढ़ाएं और आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह से लाते रहें। तो आइए, जैसा कि हिंदी की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि वर्तनी शुद्धि है, और भी कुछ इर्द गिर्द छोटे बहुत अव्यय वगैरह हैं। तो बहुत ज़्यादा वर्तनी वगैरह तो आती है, पर अव्यय वगैरह से बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट जो है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने कम्प्लीट कर ली है। उसमें दो चीज़ें जो है मुझे कवर करनी है, एक है काल और दूसरा है आपका शब्द रचना वगैरह है, तो उसको मुझे देखना है कौन सा तालव से बोला जाता है, कौन सा दंत से, वो सब मैं बता दूंगा। सिर्फ दो टॉपिक और जो है मेरी दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो कर देंगे। बाकी रस छंद अलंकार आपको मिल ही चुका है, तो वो सब आपको हो ही चुका है। बाकी पूरा हिंदी का एक कॉम्पैक्ट वीडियो अब तैयार हो चुका है, जो भी इम्पोर्टेंट परीक्षा के प्रश्न बन सकते थे वो सब हो चुके हैं। जो चीज़ें बची हुई हैं वो मैं कवर कर दूंगा। अब मेरा आज ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि आप लोगों को अधिकतम लाभ हो सके, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक का मैं जो है वीडियो इसी तरह ले आऊँगा, ताकि समय को देखते हुए मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ कि कम समय में हम जितना ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन को जो है कवर कर सकें, यही मेरा उद्देश्य है। तो आइए प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं। पहला, हम चार टॉपिक आपको बताएंगे, आइए देखते हैं एक वीडियो में। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है कारक और चौथा है वचन। चारों ही टॉपिक बहुत ही यूनिक है और क्वेश्चन आपका कन्फर्म यहाँ से आता ही है। अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखते होंगे। तो आइए हम बात करेंगे संज्ञा की। तो संज्ञा के विषय मैंने आपको बताया था, संज्ञा के पांच भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था संज्ञा के कितने होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, पांच प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते थे मैंने आपको बताया था। पहला है जातिवाचक, दूसरा था व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक, तो संज्ञा के सबसे पहले आपको जानना है संज्ञा के पांच भेद होते हैं, कौन कौन से, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक वे संज्ञा होती हैं जिनसे संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे कि मानव,
नदी, पर्वत, जब मैं ये नाम लेता हूँ तो इससे हमको, अगर मैं मानव नाम लेता हूँ तो इससे संपूर्ण विश्व के मानव जाति का बोध होता है, नदी नाम लेता हूँ तो विश्व की संपूर्ण नदियों का बोध होता है, और अगर पर्वत नाम लेता हूँ तो संपूर्ण पर्वत का बोध होता है। किसी पर्टिकुलर पर्वत की बात यहाँ नहीं हो रही है, सिर्फ पर्वत मैंने बोला है। तो ऐसे जो है संज्ञा होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक वे होते हैं जिससे व्यक्ति का बोध होता है, जिससे व्यक्ति का बोध होता है, नाम का बोध होगा, जैसे कि संजय, जैसे संजय, सोहन, मोहन, मोहन, है ना। इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है, आपको नाम का बोध हो रहा है, यानी व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक, भाववाचक से क्या होता है, भाववाचक एक ऐसी संज्ञा होती है जब आप सेंटेंस पढ़ें तो वहाँ से आप एक भाव क्रिएट होके आता है, एक भाव का आभास होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि बुढ़ापा, जैसे कि बुढ़ापा। दूसरा है गुरुत्व, गुरुत्व, ये क्या आ रहा है, ये भाव आ रहा है। वीरता, वीरता, लघुत्व, इस तरह से क्या आ रहा है, बुढ़ापा क्या है, एक भाव है। गुरु तो गुरु है, बस गुरुत्व क्या, एक अपनापन है, एक भावना आ रही है, एक लघुत्व हो गया। लघु मतलब छोटा, लघुत्व मतलब एक भाव आ रहा है। वीर, वीर मतलब वीर, वीरता एक भाव है, वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक से नाप तौल का बोध होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा वे होती जिससे नाप तौल का बोध होता है, जैसे कि एक लीटर दूध दे दो, दो लीटर तेल, 3 किलो गेहूँ, ये सब क्या है, ये द्रव्यवाचक है जहाँ पे नाप तौल का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा वे होती जहाँ पे आपको लगेगा कि एक कोई ग्रुप बना हुआ है, एक कोई ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि आप बोल सकते हैं मंत्री परिषद, आप बस बोल सकते हैं दल, आप बोल सकते हैं डाकू की मंडली, गिरोह, ये सब क्या है, समूह है, ग्रुप है, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा अच्छे से। अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण कराऊंगा जो कि लोअर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, और इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि बाद में भी आदमी को कन्फर्म हो जाती हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। 4 ही टॉपिक हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अगला है सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम यानी सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात क्या है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से हो गए, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, पुरुषवाचक निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अब इससे क्या हो रहा है, आपको ये कन्फर्म हो गया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, कुलना के 6 भेद होते हैं। आइए पुरुषवाचक क्या होता है, पुरुषवाचक में भी 3 भेद होते हैं, यानी पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है, और अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में हमेशा क्या होगा, जैसे राम क्या है, राम उत्तम पुरुषों में उत्तम, मतलब कि उत्तम पुरुष में जहाँ पे ऐसे चीज़ या ऐसा सेंटेंस जो आपकी ओर इंडिकेट करे, जैसे मैं, हम, मुझे, ये सब क्या है आपका, उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष जो वो होता है जो सुनने वाला होता है, मध्यम पुरुष वो होता है जो सुनने वाला होता है, जैसे मैं किसी से बोल रहा हूँ तो वो सामने वाला मध्यम पुरुष होता है।
जैसे कि तुम, इसमें तो होता है मैं, हम, मुझे, ये हो गया ना। और इसमें क्या होता है, तुम, तू, आप, ये सब होता है, ठीक है। अन्य में होता है यह, वह, वे। कहने का मतलब है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की, तो वहाँ पे अन्य पुरुष होता है, ठीक है ना। अगला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक में यह वह का प्रयोग होता है। निश्चयवाचक में यह वह का प्रयोग होता है। और निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक जो है सर्वनाम भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह वह, जैसे कि एक सेंटेंस है, यह कोई नया मामला नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक हो गया। जैसे मैं कहूँ यह मेरी किताब है, यानी कहने का मतलब संकेत दे रहा है, यानी कि निश्चित है, कन्फर्मेशन है कि किताब आपकी ही है। अनिश्चय में होता है कोई और कुछ का प्रयोग करते हैं। अनिश्चय में कोई और कुछ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है, और जैसे कुछ लोग आ रहे हैं, या कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। यानी अनिश्चयवाचक में जहाँ पर कन्फर्मेशन ना हो, जहाँ पे कन्फर्मेशन ना हो, यानी कि कोई और कुछ का इस्तेमाल होता है। इसके बाद संबंधवाचक है। संबंधवाचक में जो और सो का इस्तेमाल किया जाता है। संबंधवाचक में जो और सो का इस्तेमाल किया जाता है, कहने का मतलब जैसे कि जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, यहाँ पे संबंधवाचक है। जैसे मैं कहूँ यह मेरी किताब है, तो मेरी किताब है, तो क्या है, संबंध है ना। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या और कौन का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्नवाचक में क्या और कौन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहें कि कौन आ रहा है, ये क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह का जो सेंटेंस का हम प्रयोग करें, वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के 6 भेद और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है कारक। कारक, तो कारक सबसे पहले जानना, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। क्या होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन अरे है अहो रे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन अरे है अहो रे। तो कर्ता मतलब जो क्रिया कर रहा है, कर्म को मतलब जिस पे फल पड़ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। करण से के द्वारा मतलब कि जिसके द्वारा कोई चीज़ हो, जिसके द्वारा कोई चीज़ हो, करण होता, करण कारक वहाँ होता है। संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए मतलब कि किसी के लिए आप क्या कर रहे हो ना, जैसे कि मेरे लिए उसने यह काम किया, मतलब को के लिए, किसके लिए किया है ना। अपादान से, अपादान से मतलब अलग होने के सेंस में, अपादान से मतलब अलग होने के सेंस में। अपादान से संबंध का की के रारी रे, संबंध मतलब जहां पे का की के रारी रे, जैसे मेरी, मेरा ना, इस तरह से वहां पे संबंध को दर्शाया जाता है। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन अरे है अहो रे। अधिकरण में, अधिकरण में मतलब में और पर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम अगर आपसे कहें कि मेज पर पुस्तक पड़ी है, तो मेज पर पड़ी है ना, तो अधिकरण कारक हो गया। तो ये था पूरा कारक का वो। अब हम बात करेंगे वचन की, हम बात करेंगे वचन की। वचन देखिए, वचन का एक साधारण शब्दों में हम बोलेंगे, वचन मतलब होता है बोलना। वचन मतलब क्या होता है, बोलना। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया
जिस रूप में हमें संख्या का बोध होता है वहाँ पे वचन होता है, या फिर आप साधारण भाषा में बोल सकते हैं वचन मतलब बोलना। और वचन दो प्रकार के होते हैं, देखिए जो चीज़ जानी वो उस पर फोकस कीजिए। एक वचन होता है और बहुवचन होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। एक वचन क्या होता है? एक वचन ऐसा वचन होता है जहाँ पर सिंगल चीज़ों का बोध हो। कहने का मतलब ये है, जहाँ पर एक निश्चित चीज़ का बोध होगा, एक सिंगल होने का बोध होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा, तो बेटा मतलब एक वचन है वहाँ पर। बट अगर मैं बोलूँ बेटे तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन मतलब जहाँ पे एक या एक से अधिक होने का बोध होगा वहाँ पे बहुवचन का बोध होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बेटा और बेटे, तो बेटा मतलब क्या हो गया? बेटा मतलब एक वचन हो गया, और बेटे मतलब उसका बहुवचन हो गया। तो इसका क्या सिस्टम था वो मैंने आपको पूरा जो है अच्छे समझाया था। और ये मैं कुछ यार नया नहीं बता रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपका रिविज़न करा रहा हूँ। ये पूरी एक आपकी एक रिविज़न क्लास है। और इसके बाद मैंने आपको कुछ चीज़ें याद करने के लिए बताई थी, रिमेंबर करने के लिए, कि सदा एक वचन में किसका प्रयोग होता है और सदा बहुवचन में किसका प्रयोग होता है। सदा एक वचन में, सदा बहुवचन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो सदा एक वचन में किसका प्रयोग होता है? दया, क्षमा और जनता। दया, क्षमा और जनता, इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। बहुवचन में सदा किसका प्रयोग होता है? प्राण, लोग, दर्शन, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओंठ, दाम, अक्षर, अक्षत, अक्षत। यानी कि प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होंठ, दाम, अक्षर, अक्षर, इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं। तो एक वचन में और बहुवचन में ये सदैव प्रयोग होता है। क्वेश्चन यहाँ से इसलिए दोस्तों आता, थोड़ा सा अच्छा है यहाँ से क्वेश्चन, उत्तर जरूर है कि पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हमेशा एक वचन या बहुवचन में करते हैं। तो डोंट सो बी कन्फ्यूज, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। और क्वेश्चन इसी से आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी आपसे देता हूँ, कन्फर्म। चलिए अब भाई कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जैसे कि प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद। जो मेहनत करता है वह सफल होता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा? यहाँ पे संबंध होगा, संबंधवाचक, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? कितने? तो 3 भेद होते हैं, मैंने बताया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला है, यह मेरी पुस्तक है। क्या है? यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या है? संबंध है यहाँ पे। सॉरी, यह मेरी पुस्तक है, ये संकेतवाचक है। सॉरी, यह मेरी पुस्तक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो गया आपका निश्चित या संकेतवाचक, निश्चित या यह मेरी पुस्तक है। यहाँ क्या है? निश्चित या संकेतवाचक है। ठीक, तुमने ठीक ही सुना है, तुमने ठीक ही सुना है। यहाँ पे क्या है आपका? तो पुरुषवाचक में उत्तम होता है, मध्यम, मध्यम मतलब ये अन्य, मतलब ये मध्यम पुरुष, मतलब कि मध्यम में जैसे तुम तू का प्रयोग करते हैं ना, तो तुमने ठीक ही सुना, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ किसी से। मोहन से सोहन पढ़ने में तेज, यहाँ कौन सा कारक है? यहाँ पे अपादान कारक है, यहाँ पे अपादान कारक है। इसके बाद, मैं कुत्ते से डर कर भागा, तो किससे भागा? कुत्ते से डर कर भागा ना, तो मैं कुत्ते से डर कर भागा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका अपादान है, क्योंकि अलग होने के सेंस में है अपादान। इसके बाद, मेरी किताब खो गई, मेरी किताब खो गई, तो मेरी है ना, तो यहाँ पे क्या है आपका? संबंध है, यहाँ पे संबंध कारक है। फिर आइए देखिए, उसने उसे छल से हराया, मतलब हराया तो, बट छल से, तो करण से के द्वारा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण, करण। किताब अलमारी में है, यहां पे है अधिकरण, अधिकरण। इसके बाद जैसे नहीं होता कि मैं कहूं कि मैं कुत्ते से डर कर भागा, या पेड़ों से पत्ते गिरे,
इन सभी में आपदान कारक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपदान कारकों में जो आपदान कारक होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एक तरह का वीडियो, और चार टॉपिक एक ही वीडियो में समाकलन है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिएगा और देखिएगा कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या नहीं। अगर होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं अगर आपको लगता तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नितकश आय चैनल में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पत्राचार। लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत पास है, 30 सितंबर को ये एग्ज़ाम है, 30 सितंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के पास जो है मैसेज आ गया होगा कि सेंटर आपका कहाँ पर गया है, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए, अपना रिजर्वेशन वगैरह करा लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर अच्छा जाएगा, मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, ठीक है। तो उसी से जो एक हफ्ते के पहले की जो स्ट्रेटजी है उसी से रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, जो मुझे लगता है, जैसे मैंने हिंदी का दो वीडियो आप बनाया था, अभी एक और मैं उस पर बना दूंगा, जो भी संभावित जो भी टॉपिक्स के ग्रुप हैं वो मैं एक वीडियो अभी और बनाऊंगा, चार टॉपिक कम से कम उसमें रहेंगे वो बना दूंगा। तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं कवर कर लूंगा। फिलहाल 25 क्वेश्चन हिंदी का है, और हिंदी के जो परंपरागत जो टॉपिक हैं जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, इस तरह क्वेश्चन आज आप आज से नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों हो जाते हैं। बट नए क्वेश्चन जो इस समय यूपी ट्रिपल एस सी में पूछने का ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि आपने गौर किया होगा अभी 28 जुलाई को जो लोअर टू का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप देख रहे थे व्याकरणी कोटि लिंग परिसर से दो क्वेश्चन पूछा गया, फिर एक वचन बहुवचन से क्वेश्चन पूछे गए दो, फिर आपसे पूछा जाता देशज विदेशज, उसका मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं बना दूंगा जल्दी। और इस तरह से आप देखिए, इस तरह क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी जो है बच्चे गलत भी कर रहे हैं, और प्लस जो है उस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ इसमें ऐसे टॉपिक जैसे देशज विदेशज और अरबी फारसी शब्द, ऐसे शब्द हैं कि आप नहीं उसको जो है दिमाग में नहीं आ पा रहा या पढ़ रहे हैं तो भूल जाना, तो उसको भी मैं एक अलग से वीडियो जो है बनाऊंगा। बहरहाल, बट इससे पहले जो है एक और चार ग्रुप या पांच चैप्टर का एक आएगा लास्ट वीडियो, जिसमें और भी संभावित टॉपिक हो जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हो सकता है हिंदी में वो आपके लिए किया जाएगा। उसी क्रम में जो है पत्राचार है, पत्राचार से आप दोस्तों गौर कर रहे होंगे, आप पेपर अगर आपने आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसमें वॉच कर रहे होंगे कि पत्राचार से कम आपके दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो दो क्वेश्चन आपका फिक्स है दोस्तों, तो आप दो क्वेश्चन मत गवाइए। क्वेश्चन बहुत ही अगर आप पढ़े रहेंगे तो बहुत ही ईजी है, और नहीं पढ़ेंगे तो सबके लिए टफ होता है। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा, चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर नहीं नोट डाउन करने का मन तो कम से कम सुनिएगा वीडियो को अच्छे से, लास्ट तक देखिएगा और मैं बोलता रहूँगा आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। कार्यालय ज्ञापन, तो मंत्रालयों एवं इससे ये बताने के पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि इससे संबंधित वीडियो जो है वो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों ने बताया है कि कैसे पत्राचार वगैरह है होता है, सरकारी पत्र कैसे होते हैं और सरकारी पत्र कैसे होते हैं, वहाँ पे आप जा करके देख लेंगे, ठीक है। आइए, कार्यालय ज्ञापन मंत्रालयों एवं विभागों में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए होता है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मंत्रालयों एवं विभागों में सूचना के आदान प्रदान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से आपको याद करना है। सरकारी पत्र में इस्तेमाल होता है, तो सरकारी पत्र में इस्तेमाल होता है अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष अप्रत्यक्ष का। अन्य पुरुष में दोस्तों मैंने आपको बताया था, अन्य पुरुष में आते हैं जैसे यह, वह और वे, उसका इस्तेमाल, और उत्तम पुरुष में मैंने आपको बताया था जहाँ पे मैं हम होता, बट मैं और हम का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। अप्रत्यक्ष मतलब कि मैं हम को छोड़ करके बात हो रहा है, मैं और हम इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ मुझे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मुझे यह आशा की गई, या मुझे पत्र प्राप्त हुआ, या मुझे सूचना प्राप्त हुई है, अधिकारी ऐसे ही लिखता है, ठीक है। संबोधन में हम महोदय या महोदया का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी हम संबोधन में किसका इस्तेमाल करते हैं? महोदया का इस्तेमाल करते हैं। स्वनिर्देश हेतु भवदीय / भवदिया
चला। इसको जोड़ना मत, इसको शुरू। स्वनिर्देश हेतु भव दिया ऑब्लिक भव दिया, जैसे नहीं आप जब पत्र के लास्ट में लिखते हैं तो कहते हैं भव दिया एक्स वाई जेड जो भी, तो भव दी मतलब ये पुरुष के लिए और भव दिया मतलब स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। आइए। सरकारी पत्र के शीर्ष पर पत्रांक या पत्र संख्या होता है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसी भी सरकारी पत्र के शीर्ष पर क्या अंकित होता है, तो पत्र संख्या अंकित होती है। पावती क्या है, पावती को बोलते हैं रसीद, ये पत्र प्राप्ति की सूचना होती है। जैसे आपने कोई पत्र प्राप्त किया तो आपको एज ए क्या आपको जो मिलता है पत्र वो आपका पावती होता है। कार्यालय में वित्तीय मंजूरी हेतु आदेश का इस्तेमाल करते हैं। वित्तीय मंजूरी मतलब कि अगर फाइनेंस से संबंधी अगर कोई मामला है, अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई मामला है तो वित्तीय मंजूरी हेतु या वित्तीय चीज़ों को मंजूर देने हेतु हम आदेश का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर किसका अंकन होता है, तो मंत्रालय अवलिक विभाग का अंकन होता है। ये सब चीज़ें हम अपनी वीडियो में डाल चुके हैं, उसको आप देखेंगे, वहाँ पे हमने पूरा प्रारूप दिखाया है। अंतर विभागीय मतलब विभाग से विभाग तक, अंतर विभागीय मतलब विभाग से विभाग, टिप्पणी के शीर्ष पर हमेशा मंत्रालय या विभाग का ही नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइए साथ साथ। कार्यालय आदेश में भाषा सूचना परक होती है, तो कार्यालय आदेश में जो भाषा होती है वो सूचना परक होती है, परंतु आदेश की भाषा कैसी होती है, आदेशात्मक होती है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो आप देखिएगा अच्छे से तो ही आपको क्लियर होगा। जिस मंत्रालय ऑब्लिक विभाग ने पहले पत्र लिखा हो, जिस मंत्रालय ऑब्लिक विभाग ने पहले पत्र लिखा हो वह अनुस्मारक पत्र का प्रयोग करेगा। जैसे मान लीजिए दो मंत्रालय हैं और किसी मंत्रालय ने पहले जो है पत्र लिख दिया और दूसरे का जवाब नहीं आ रहा है तो रिमाइंडर भेजा जाता है, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। कार्यालय ज्ञाप में संबोधन या आत्मनिर्देश नहीं लिखा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कार्यालय ज्ञाप में क्या नहीं लिखा जाता है, तो संबोधन और आत्मनिर्देश। जैसे नहीं यहाँ पे संबोधन के लिए हम महोदया महोदया का प्रयोग करते हैं तो उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। कार्यालय आदेश आंतरिक प्रशासन संबंध अनुदेश होता है, एक तरह का डायरेक्शन होता है, अर्थात यह अधिकारी और कर्मचारी दोनों के लिए है। दोस्तों वहाँ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अधिकारी और कर्मचारी यहाँ दोनों के लिए बात होगी। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। वह पत्र जिसमें विषय होता है और जिसमें विषय नहीं होता, ये भी आपको अंतर समझना होगा। जैसे हम बात करेंगे अनुस्मारक पावती और कार्यालय ज्ञाप, तो अनुस्मारक जिसे बोलते हैं रिमाइंडर, पावती मन रसीद और कार्यालय ज्ञापन, इन तीनों में विषय होता है। इन तीनों में ही विषय मतलब जैसे आप कोई पत्र लिखते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र में मतलब जो है मच्छर ज़्यादा हो गए हैं, मलेरिया के मरीज़ ज़्यादा वो हो रहे हैं, इसलिए जो है मच्छर की दवा छिड़काव करने का वो करें प्रयत्न करें या वो करें मतलब कि कृपा करें। तो जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कहाँ कहाँ होता है, तो अनुस्मारक में होता है, पावती में होता है और कार्यालय ज्ञापन में होता है, बट कहाँ पर नहीं होता, तो अर्ध सरकारी पत्रों में नहीं होता। और अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, ऐसे पत्र होते हैं जिसमें जिसमें टंकड़ का प्रयोग होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभिवादन का प्रयोग आपको लगेगा, मतलब प्रिय प्रिय जैसे शब्दों का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब आइए परिपत्र को सरकारी पत्राचार का प्रकार नहीं मानता, तो सरकारी पत्राचार का प्रकार कौन सा नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है, तो परिपत्र, इसको बोलते हैं सर्कुलर। तो सर्कुलर जो होता है एक साथ कई विभागों को भेजा जाता है तो वो होता है परिपत्र, बट ये सरकारी पत्राचार का प्रकार नहीं माना जाता, ये अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आइए आखिरी क्वेश्चन है, सरकारी पत्र लिखा जाता है तो सरकारी पत्र हम किसको लिखते हैं। दोस्तों ये आ सकता है क्योंकि वहाँ पूछ लेगा किसको नहीं लिखा जाता, तो अच्छे से आप देखिए इसको याद करेंगे, तो ये व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से, दूसरा यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र संघ को जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों न्यूयॉर्क में है, विदेशी सरकारों को, राज्य सरकारों को राज्य की सरकारों को, संवैधानिक निकायों को, अधीनस्थ कार्यालयों को, उपक्रमों को, राष्ट्रीय बैंकों को और कॉरपोरेट सेक्टरों को, इन सभी को सरकारी पत्र लिखा जाता है। एक दो बार आप अच्छे से अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो पत्राचार का ये जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है और क्वेश्चन इससे क्वेश्चन
बनना चाहिए, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ 90 से 95% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने की पूरी चांसेस हैं। आप सभी को पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नितका शायद चैनल में। और हिंदी की जो श्रृंखला मैंने स्टार्ट की थी वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उसी क्रम में आज मैं आप सभी के समक्ष ले आया हूँ वचन। वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हिंदी का, और क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी आपके जो हित व्यवहारी हैं उनका भी भला हो सके। जो पढ़ने वाला बच्चा हो उनको ये जानने का हक जरूर होना चाहिए कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वचन। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखा कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप जब वीडियो को पूरा देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आपका भी ये कर्तव्य होता है कि आप हमको क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ ये इस चीज़ का मुझे आपसे बेहद निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। आइए, अगर वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दिया कीजिए, बट अगर आपको लगता है कि आपके ये उपयोगी चीज़ें आपके लिए काम हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए। आइए स्टार्ट करते हैं वचन। वचन सबसे पहले हम जानेंगे है क्या, फिर हम पढ़ेंगे वचन के प्रकार के बारे में, फिर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न को पढ़ेंगे, और फिर कुछ चीज़ें हमको याद रखनी होंगी, रिमेंबर याद रखनी होगी। तो यह आज का है हमारा प्रमुख बिंदु है। आइए स्टार्ट करते हैं, वचन होता क्या है। आइए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप में संख्या का बोध होता है, फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप में हमें संख्या का बोध हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार का होता है, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो दो प्रकार के दोस्तों वचन होते हैं, पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन वे होते हैं जिसमें एक होने का बोध होता है, जहाँ पर आपको एक होने का बोध हो, जहाँ पे सिंगल चीज़ों का बोध होता है वहाँ पर एक वचन होता है, जहाँ पर एक से अधिक होने का बोध होता है वहाँ पे बहुवचन होता है। दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो एक वचन क्या होता है, जहाँ पर एक के होने का बोध हो, जहाँ पर सिंगल चीज़ों का बोध हो। बहुवचन क्या होता है, जहाँ पे एक से अधिक होने का बोध हो। ठीक है, आइए जैसे एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे गाय, गाय क्या है, सिर्फ गाय की बात हो रही दोस्तों, गाय, मैं गाय नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ गाय बोल रहा हूँ, तो वहाँ सिर्फ एक वचन का बोध होगा। बालक, तो बालक, मैं से बोलते हैं कि ये देखो ये बालक है, ये बालक है, मैं मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक निर्देश दे रहा हूँ, मैं एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, अरे ये बालक है, तो वहाँ पे सिंगल का बोध हो रहा है ना, तो ये पे क्या है आपका, एक वचन होगा। फिर हम कहें पुस्तक, नहीं कहते हैं, जैसे हम कहते हैं यार ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक का है ना, तो पुस्तक एक ही तो ही, हमने तो नहीं कहा ना यार ये पुस्तकें मेरी, मैंने पुस्तक बोला ना सिर्फ। तो ये हो गया आपका एक वचन। आइए बहुवचन में, जहाँ पर एक से अधिक होने का बोध होता है वहाँ पर बहुवचन होता है। आइए जैसे नदी, नदी का नदियाँ, नदियाँ हैं, नदियाँ मतलब कि कई सारी नदियों की बात हो रही है, कई सारी नदियों की बात हो रही है वहाँ नदियाँ। बालिकाएँ, बालिकाएँ मतलब कई सारी बालिकाओं का बोध हो रहा है, कई सारी बालिकाओं का बोध हो रहा है, कई सारी लड़कियों का बोध हो रहा है, कई सारी नदियों का बोध हो रहा है ना, वहाँ पे बहुवचन। ये सब चीज़ें कॉमन है, बट आइए आप समझते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी चीज़ें। ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, आप किस तरह से जान पाते हैं कि वचन क्या था, वचन के प्रकार क्या हैं, ये सभी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए, कॉन्सेप्ट भी समझ गए, सब कुछ समझ गए। आइए अब कुछ परीक्षा उपयोगी चीज़ें हम देखते हैं दोस्तों। जो परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं उसको आप लोग ऐसा करिएगा, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बल्कि हटा ले रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं लेते हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इस चीज़ का आपको जो फ़ायदा है वो एग्ज़ाम जब होगा आपको मिल जाएगा। आइए जैसे बेटा है, तो बेटा का क्या बहुवचन होगा, बेटे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा का, बेटे। कमरा, तो कमरा का क्या होगा, कमरे होगा। कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा, कपड़े होगा।
आंख, आंख का क्या होगा? आंखें होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, आंख का क्या होगा? आंखें होगा, क्या आंखें क्या बहुवचन हो गया। गाय, गाय मतलब सिंगल होता है, गाय मतलब उसका बहुवचन हो गया। रात, रात मतलब रातें हो गया। वस्तु का वस्तुएं, याद रखना वस्तुएं में चंद्रबिंदी लग गई, वस्तुएं में चंद्रबिंदी लग गई, ये थोड़ा सा याद रखना। माता माताएं, जहां माताएं माताएं में चंद्रबिंदी, ये सब चीजें थोड़ा सा गौर करिएगा आप। दवा का दवाएं, तो दवाएं में भी चंद्रबिंदी है दोस्तों। तिथि का तिथियां, तिथि का तिथियां, देखिए तिथियां में भी चंद्रबिंदी है ना। राशि का राशियां, राशि का राशियां, राशि का राशियां, राशियां में भी चंद्रबिंदी है। आइए, शक्ति का शक्तियां, शक्ति का शक्तियां में भी चंद्रबिंदी है। अगला, सखी का सखियां, तो सखियां में भी चंद्रबिंदी है, सखियां में भी चंद्रबिंदी है। मोती, मोती का मोतियां, देखिए मोती का मोतियां, यहाँ भी चंद्रबिंदी है। नदी का नदियां, जैसा कि यहाँ मैंने बताया था, नदियां, नदियां भी देखिए कई सारा है ना। बुढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बुढ़िया का बुढ़िया, देखिए चंद्रबिंदी यहाँ पे भी लगेगी। बुढ़िया में क्या होगा? चंद्रबिंदी भी लगेगी और ढ के नीचे बिंदी भी लगेगी, दोनों चीजें याद रखना होगा आपको। जब बुढ़िया का बहुवचन बनाओगे तो चार विकल्प वहां दिया रहेगा, आपको क्या चेक करना होगा? एक तो चंद्रबिंदी चेक करना होगा, दूसरा ढ के नीचे बिंदी भी चेक करनी होगी, याद रखना। बहु, बहु का बहुएं हो जाएगा, बहु का देखिए यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, अरे देखिए चंद्रबिंदी लग गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जू, जू का जुएं होता है, यहाँ भी देखिए चंद्रबिंदी लग गया। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा गुरुओं का जन्म होता है, ऐसे याद रखेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप याद रखेंगे। गुरु जो होते हैं, गुरु, गुरु हमेशा जन्म में होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तो मतलब गुरु का बहुवचन क्या होगा? गुरुजन होगा। इसके बाद अध्यापक क्या होता है? देव के समान होता है। अध्यापक क्या होता है? देव के समान होता है। तो अध्यापक और देव दोनों का बहुवचन अध्यापकगण और देवगण होगा। तो अध्यापक के साथ अध्यापकगण होगा और अदेव के साथ देवगण होगा। तो देवों का क्या होता है? गढ़ होता है। अध्यापक का क्या होता है? गढ़ होता है। गुरु का क्या होता है? गुरुजन होता है। तीन चीज़ हल्का सा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो गुरु के साथ हमेशा जन का प्रयोग करेंगे। अध्यापक क्या है? देव के समान है, तो अध्यापक और देव दोनों के लिए गढ़ का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये था आपका कुछ परीक्षा उपयोगी चीज़ें, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो पहले मैंने आपको बताया वचन होता क्या है, प्रकार बताया, फिर यहाँ से परीक्षा उपयोगी चीज़ें बता दी। इसके बाद जो चीज़ें आज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन UP SSSC में कंटिन्यूअसली जो है पूछा जा रहा है यहाँ से क्वेश्चन। आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्लीज़ लोअर का पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको स्वतः ही लग जाएगा क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है। UP SSSC जो अभी 2016 जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया, लोअर में भी पूछा गया कि कौन सा हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं, कौन सा हमेशा दो वचन में, द्विवचन, बहुवचन सॉरी प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आ रही है। तो वो इस चीज़ का मैं समाकलन आपके समक्ष ले आया हूँ, अगर आप ये याद कर लेंगे तो मेरे हिसाब से नहीं कोई गलती होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आइए, हमेशा एक वचन में जिसका हम प्रयोग करते हैं तो वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे दया, क्षमा और जनता। दया, क्षमा और जनता, तो क्या होता है इसका हमेशा एक वचन में प्रयोग करते हैं? दया, क्षमा और जनता। एक टोन सेट कर लीजिए दोस्तों, दया, क्षमा और जनता, इसका प्रयोग सदैव एक वचन के लिए करते हैं। इसके बाद बहुवचन के लिए किसके कौन कौन से शब्द हैं? जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होंठ, दाम, अक्षर, अक्षत। मैं फिर रिपीट करूंगा, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होंठ, दाम, अक्षर, अक्षत। तो प्राण, लोगे, दर्शन, आंसू, होंठ, दाम, अक्षर, अक्षत, ऐसे एक टोन सेट कर लीजिए, चाहे मेरी समझ में टोन आए वो सेट कर लीजिए, या अपने अगर कोई आप कोट बना सकते तो वो कर लीजिए। बट मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये जरूर आप याद करके जाएंगे, एक बार हल्का सा मेरी वीडियो ये देख कर जाइएगा, भले इधर मत रिकॉल कराएगा बट ये रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का यहाँ से उठेगा और आप इजीली सही कर लोगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो हिंदी का ये जल्दी से जल्दी जो हो जाएगा, और मैं जो है मैथमेटिक्स लोअर के लिए जो मैथ की प्रैक्टिस सेट है एक घंटे के मैं लाऊंगा, क्योंकि देखिए उस तरह से करंट अफेयर का मैं नहीं लाऊंगा आपकी, उस तरह 3 घंटे 49 मिनट का एक घंटे का लाऊंगा, जिसमें मैक्सिमम चैप्टर में जो है कवर करूंगा, और उस चैप्टर में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा जो आपके जो 15 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला लोअर का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगा।
तो एक घंटे का ये वीडियो होगा, कम से कम एक घंटे का वीडियो। किस लिए होगा दोस्तों? क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को फ़ायदा मिल जाए एग्ज़ाम में, इस पर्पज़ से मैं जो है वो बनाऊँगा। तो वचन का ये वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।